अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मज़े की रेसिपी मिलती रहे। तो ऑयल लेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा लेना है, फिक्र ना करें, आपका ये ज़ाया नहीं होगा, बाद में काम आ जाएगा। तो हाफ के जी हमने चिकन ली थी और इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है और इसे हमने फ्राई करना है। इसे हमने गोल्डन नहीं करना, बस गोश्त की स्मेल दूर हो जाए। हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। याद रखें, वाइट कढ़ाई बनानी है तो हमने ज़्यादा उसको गोल्डन भी नहीं करना, इतना नहीं भूनना और ना हमने पहले फ्राई करना है गोल्डन। बस हमारा मसाला भून जाए। 250 ग्राम हमने योगर्ट ऐड करना है फ्लेम लो करने के बाद, कि हमारा दही फटे ना। प्याले को अच्छे से साफ कर लिया करें और इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। क्रश कोकोनट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर, ये भी बहुत काम का है। तो कवर करके हम कुक करेंगे इसको। वाइट पेपर जाएगी 1/2 टीस्पून। अब हमने कोरिएंडर और क्यूमन सीड्स रोस्टेड क्रश किए हुए थे तो ये भी ऐड करना है, हमने पाउडर फॉर्म में है, 1 टेबल स्पून है ये भी। तो हमने इसे कुक करना है और इसके अंदर जाएंगी चिल्लीज जो जूलियन कट में है, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। तो अब आ जाती है क्रीम की बारी, जो इस रेसिपी की जान है, इसके बगैर तो ये रेसिपी अधूरी है। तो 4 से 5 टेबल स्पून हमने ये भी ऐड कर देनी है इसके अंदर। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर। अब जाएगा गरम मसाला। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम गार्निशिंग करते हैं, तो इसके लिए हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया, इन सब चीज़ों से हमने गार्निशिंग करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।